लेखक के रूप में मेरी शिकायत शुरू से ये रही है कि भोपाल निरक्षरों का शहर नहीं था, भोपाल बहुत दूर दराज का इलाका नहीं था जहाँ तक पहुँच संभव ना हो। एक मानव निर्मित त्रासदी की वजह से 15,000 लाशें शहर की सड़कों पर कीड़े मकोड़ों की तरह गिरी हैं मनुष्यों की, और बेजुबान जो जानवर हैं वो तो उनकी कोई गिनती नहीं है, परिंदे। इतनी हजारों की संख्या में जो मौत हुई हैं, और ये शहर राजधानी था, यहाँ विश्वविद्यालय थे, अकादमियाँ थी, यहाँ लेखक थे, कवि थे, उपन्यासकार थे, कुलपति थे, सब थे। लेकिन इतनी बड़ी त्रासदी के बाद भी किसी ने इसको एक किताब के लायक नहीं समझा कि कुछ किताबें यहाँ लिखी जाती। तो जब 25 साल इस हादसे के हुए थे और मैं पहली बार यूनियन कार्बाइड के इलाकों में गया, और जो वास्तविक पीड़ित उनके परिवारों में जब मैं गया, तो मैं ये सोचकर बड़ा हैरान हुआ, और ये जानकर तो मुझे सदमा लगा कि इस हादसे से जुड़ी हुई कोई दो चार ढंग की किताबें नहीं है। डोमिनिक लापियर जेवियर मोरो की जो जो किताब है उपन्यास की शक्ल में, वो एक फिक्शन है, फैक्ट बेस्ड फिक्शन है, उपन्यास की शक्ल में लिखा है, जिसने पूरी दुनिया को ये बताया कि भोपाल में हुआ क्या था। लेकिन भोपाल के लोगों ने उस पर बिल्कुल बाईपास कर दिया। यहाँ तो कोई ऐसा मामला नहीं था कि बहुत दूर दराज कोई इलाका है वहाँ जाके कौन कवर करेगा, ये तो शहर का ही मामला था। स्कूटर की एक किक लगाने में ही आप वहाँ पहुँच जाते जहाँ ये सारा घटा इतने सालों पहले। तो मैं ये सवाल मुझे बड़ा परेशान करता रहा कि इस पर किताबें क्यों नहीं लिखी गई, इस पर अनगिनत एंगल से, अनगिनत कोण से अनगिनत किताबें लिखी जानी चाहिए थी, इस पर कई उपन्यास स्थानीय लोगों के द्वारा लिखे जाने चाहिए थे, कई कविता संग्रह होने थे, कई आपबीतियां होनी थी लोगों की, डायरियां होनी थी, साहित्यिक दृष्टिकोण से हर विधा में इस पर अनेक किताबें होनी चाहिए थी। ये चूंकि एक 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 रासायनिक गैस की वजह से मारे गए लोगों की त्रासदी थी, तो इस पर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कई किताबें होनी चाहिए थी, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से कई किताबें होनी चाहिए थी। ये बड़ा लीगल मसला था, ये एक कानूनी मसला था, तो कानून के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अनेक किताबें होनी चाहिए थी। लेकिन कोई एक किताब किसी दृष्टिकोण से ऐसी ढंग की जो लोकल स्थानीय पीड़ित पक्ष को उजागर करने वाली उसकी पीड़ा की, कोई किताब नहीं है। आज से 50 साल बाद जब एक भी वास्तविक पीड़ित भोपाल गैस हादसे का जीवित नहीं बचेगा इस धरती पर, उस समय दुनिया का कोई रिसर्चर, कोई शोधार्थी, कोई जिज्ञासु भोपाल के रेलवे स्टेशन पर या एयरपोर्ट पर उतर के कहाँ जाएगा सबूत ढूंढने के लिए? यहाँ के अखबारों में आपको ये जान के हैरानी होगी, यहाँ के अखबारों में दिसंबर 1984 की फाइलें नहीं है। मुझे टीवी चैनल के लोगों से बड़ी एक शिकायत रही कि ये हर साल एक सालाना रस्म की तरह जैसे सरकार ने एक गैस राहत विभाग बना दिया, ऐसा एक गैस राहत बीट बना दी अखबारों ने और इतिश्री कर ली। बस हमारी ड्यूटी ये है कि जो पीड़ितों की आवाज बुलंद करने वाले जो संगठन हैं, और वो जो आए दिन यादगार शाहजहानी पार्क में जो धरना प्रदर्शन कभी कभी करते हैं, बस उसको कवर करना, उनका प्रेस नोट लेके आना। यहाँ अखबारों ने अपना रोल खत्म कर लिया। चैनल के लोगों ने सालाना एक जियारत शुरू कर दी यूनियन कार्बाइड के खंडरों की, और एक उन्होंने आधा घंटे का एक बढ़िया सा कार्यक्रम बनाया और बस खत्म कर दिया। स्थायी महत्व के दस्तावेजों पर भोपाल गैस हादसा, जहां 15,000 लाशें इस शहर में देखी हों और लाखों पीड़ित आज भी मौजूद हों, असली पीड़ित, मैं फिर से रिपीट करूंगा कि मैं असली पीड़ितों की बात कर रहा हूं, मैं मुआवजा प्राप्त करने वाले उन लाखों लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वास्तविक पीड़ितों की बात कर रहा हूं, गैस ने जिनके जिनके जिनको छलनी कर दिया, जिनका जीवन नष्ट कर दिया, जिनकी पीढ़ियां बर्बाद हो गई, उनकी आपबीतियां कहीं दस्तावेजों पर नहीं है। मैं एक लेखक के नाते इस बात को बार बार मैं कहता रहा हूं अलग अलग मंचों पर कि ये एक मुझे बड़ी एक शिकायत भोपाल के प्रबुद्ध लोगों से है, जो लेखक, उपन्यासकार, कवि, वकील, डॉक्टर, प्रशासनिक अधिकारी अपने आप को मानते हैं, हैं और लिखते भी हैं, लिखने में भी उनकी अच्छी महारत है, लेकिन उन्होंने इस हादसे को क्यों बायपास किया, एक किताब का विषय उन्होंने इसको क्यों नहीं बनाया, ये सवाल मेरा आज भी अनुत्तरित है, एक बात। दूसरी बात,
राजकुमार केसवानी का नाम भोपाल गैस हादसे की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हुआ। किसी एक पत्रकार का किसी एक रिपोर्ट की वजह से किसी एक विषय की वजह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि के दूसरे उदाहरण नहीं है। जैसा यश राजकुमार केसवानी जी को मिला, एक बार मुझे सुनीता नारायण के मंच पर डाउन टू अर्थ के कार्यक्रम में दिल्ली में हमको साथ में बोलने का मौका मिला। मैंने ये बिंदु उनके सामने उनकी उपस्थिति में भी रखा था कि उन्होंने तो भोपाल गैस हादसा होने के पहले 2 और 3 दिसंबर 1984 की रात इतिहास में आने के पहले उन्होंने मिथाइल आइसोसाइनेट की जो गंध है वो पहले पकड़ ली थी और उन्होंने अपने किसी छोटे अखबार में उसके बारे में एक बड़ा हेडलाइन ये मशहूर है लिखा था कि भोपाल ज्वालामुखी के मुहाने पर बैठा हुआ है। और वैसा हुआ तो जिस व्यक्ति ने अपनी दूरदर्शी निगाह से इस बात को पकड़ लिया कि भोपाल ज्वालामुखी के मुहाने पर बैठा हुआ है, कभी भी ये ज्वालामुखी फट सकता है। और 2 और 3 दिसंबर 1984 को पूरी दुनिया ने देखा कि ये ज्वालामुखी फट गया और 15,000 लोग मारे गए, अनगिनत लोग उसमें पीड़ित हुए, स्वास्थ्य की कई जटिल समस्याओं से आज भी जूझ रहे हैं। और ऐसी कहानियां पुराने भोपाल में कई घरों में हैं। मैं उनके कई जो वास्तविक जो पीड़ित थे उनके परिवारों में मैं कई कई बार गया हूँ। जब 25वीं बरसी हुई और उस समय मैंने इस पर काम किया था जब मैं इस पर किताब पर काम कर रहा था, और उसके बाद ठीक 6 महीने बाद 25वीं बरसी हुई, उसके ठीक 6 महीने बाद पहली बार एक CGM कोर्ट में इसके आपराधिक मामले का निर्णय हुआ। भोपाल की CGM अदालत में इसका निर्णय हुआ। जो सारे आरोपी थे वो बिल्कुल अपनी कॉलर ठीक करते हुए और रात के डिनर का प्लान करते हुए अदालत से उतरे, एक को भी एक दिन की भी सजा नहीं हुई। और जो मुख्य आरोपी था वॉरेन एंडरसन, उसको जिस सुरक्षित वातावरण में भोपाल से निकाला गया और अमेरिका भेजा गया दिल्ली होकर, तो वो तो हमारी ये पूरी राजनीतिक तंत्र का एक बहुत ही दुखद अध्याय है जो कभी भारत की किसी अदालत में हाजिर नहीं हुआ एक भी दिन के लिए। और उसने एक लंबी 90 वर्ष से अधिक की सुखद आयु उसने जी और उसके बाद नैसर्गिक मृत्यु को प्राप्त हुआ, कुछ साल पहले मर गया वो। लेकिन भारत का जो राजनीतिक तंत्र है, भारत का जो कानूनी तंत्र है, जिसको हम बड़ा एक मजबूत लोकतंत्र के रूप में पूरी दुनिया में हम इसका दान करते हैं, वो उस 15,000 लोगों की मौत का गुनहगार वॉरेन एंडरसन भारत की किसी अदालत में एक भी दिन हाजिर नहीं हुआ, उसका बाल बांका नहीं हुआ। और जो बचे हुए जो यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन की भारतीय इकाई के जो प्रबंधन में थे जो आरोपी और जो उस दिन अदालत में मौजूद थे, वो बढ़िया बाहर निकलकर अपने सिगार और अपने सिगरेट सुलगा रहे थे और रात के डिनर का इंतजाम कर रहे थे। वो एक दिन के लिए किसी को अंदर नहीं जाना पड़ा। तो ये ऐसे अध्याय हैं जिसमें कई कोण हैं, कई कानूनी दृष्टिकोण हैं इसमें। चूंकि बहुत सारे लोग अस्पतालों में जब गए हैं तो कई गर्भवती महिलाओं के गर्भगृह वो बोतलों में बंद हुए, उनके भ्रूण जो अबोध बच्चे थे। पहली तस्वीर भोपाल गैस ट्रेजडी की जो बेंचमार्क पिक्चर है वो एक ऐसे बच्चे की तस्वीर है जिसको दफनाया जा रहा। तो ऐसे इसमें कई चिकित्सा के कई कोण थे। चूंकि ये एक रसायन का मामला था तो इसमें कई साइंटिफिक एंगल थे और ह्यूमन एंगल तो इसमें ओवरऑल था ही, जिस पर अनगिनत किताब है। मैं तो कहता हूं कि भोपाल के रेलवे स्टेशन के हर प्लेटफॉर्म पर, एयरपोर्ट पर, शहर के अंदर प्राइम लोकेशन पर एक किताबों की दुकान ऐसी हमेशा ही होनी चाहिए थी जिसमें सैकड़ों किताबें, केवल गैस हादसे से जुड़ी किताबें ही बिकेंगी यहां पे, जो यहां के प्रबुद्ध और जागरूक लेखकों ने, उपन्यासकारों ने, कवियों ने, कुलपतियों ने, प्रोफेसरों ने, हिंदी के प्रोफेसरों ने, पत्रकारिता के प्रोफेसरों ने, डॉक्टर्स ने जो उस समय हमीदिया में और तमाम अस्पतालों में तैनात थे, जिन्होंने अपने सामने लोगों को देखा, और वो सामाजिक कार्यकर्ता जिन्होंने सामूहिक लाशों को जलाया या सामूहिक कब्रगाहों में दफनाया लोगों को, हमें पता ही नहीं है कि कौन कहां दफन हो गया, कितने कहां जला दिए गए।
इनकी कोई कहानियां भोपाल के किसी रिकॉर्ड में नहीं है। तो जैसा जापान में हिरोशिमा और नागासाकी की जो परमाणु त्रासदी घटित हुई, उन्होंने इस त्रासदी को अपनी स्मृतियों में सहेजा। हिटलर के हाथों जो यहूदियों के नरसंहार हुए हैं, 70 लाख यहूदी लगभग मारे गए हैं निर्दोष, उनकी एक एक मृतक की स्मृतियों को यहूदियों ने, दुनिया के सभ्य देशों ने अपनी एक सामाजिक और मानवीय जिम्मेदारी को समझते हुए उनके संग्रहालय बनाए। उन बच्चों के खिलौने, उनके जूते, उनके कपड़े, लोगों के चश्मे, उनकी कलम, उनके पर्स, ये सब सुरक्षित रखे हैं उनके नाम के साथ में कि किस जगह पर, किस कंसंट्रेशन कैंप में कितने लोगों को कब लाया गया था और कब मारा गया था। उनके नाम शिलापटों पे आज भी हैं और उनके जो जीवित परिजन बचे हुए हैं आज भी, वो चौथी पीढ़ी आज भी उन नामों को जाके स्पर्श करती है, नागासाकी हिरोशिमा में भी और इन हिटलर की नरसंहारों में मारे गए लोगों की भी। तो ये ऐसा एक नरसंहार था जिसमें एक एक मृतक का हिसाब, उसकी डिटेल हमारे पास दस्तावेजों पे होनी चाहिए थी। मैं फिर से दोहराऊंगा कि 50 साल बाद जब एक भी असली पीड़ित बचेगा नहीं जीवित, उस समय दुनिया के किसी भी देश से कोई शोधार्थी अगर कभी अध्ययन करने, देखने, दस्तावेजों में झांकने आएगा भोपाल, तो वो कहां जाएगा? उसके पास हमने क्या छोड़ा है ऐसा कि इस हादसे के सारे कोण उसको कहीं नजर आ जाए? बच्चों की कहानियां, महिलाओं की कहानियां, जो रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले लोग थे मारे गए उनकी कहानियां, उस गजाला की कहानी जिसका पूरा परिवार तबाह हो गया, उसकी दोनों आंखें चली गई और वो एक निराश्रित की तरह अपनी बड़ी दीदी के यहाँ बरसों रही, उससे मुझे मिलने का मौका मिला है। साजिदा बानो की कहानी जिसके शौहर की मौत 2 और 3 दिसंबर 1984 के पहले ही इसी गैस से हो गई थी, वहां गैस रिश्ती रहती थी अक्सर, उसकी पूरे जो सुरक्षा प्रबंध होने चाहिए थे वो नहीं थे। और 7 दिसंबर को हादसे के 3 दिन बाद जब लाशें भी पूरी उठी नहीं थी सड़कों से, तब हमारे माननीय मुख्यमंत्री, तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री के साथ हरदा की एक चुनावी सभा में वोट मांग रहे थे। आज आप कल्पना कर सकते हैं सोशल मीडिया के और टेलीविजन मीडिया के इतने इतने सघन दौर में कि एक मुख्यमंत्री या कोई प्रधानमंत्री और दोनों मिलकर जब एक राजधानी पूरी लाशों से पटी हुई पड़ी हो, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी त्रासदी जहां घटित हुई हो, उसको छोड़कर वो 200 किलोमीटर दूर किसी पॉलिटिकल मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं। अगले दिन कुर्सी पर नहीं रहेंगे वो, अगले दिन कुर्सी पर नहीं रहेंगे लोग ऐसे। तो ये हमारी पूरी राजनीतिक लीडरशिप, हमारी पूरी कानूनी जो व्यवस्था है, हमारा पूरा मेडिकल सिस्टम, हमारी पूरी जो पूरी साइंटिफिक हमारा सक्षम जो सिस्टम उस समय था, उसकी एक झटके में पोल खोलने वाला हादसा। आपको जानकर हैरानी होगी कि 25 साल तक भोपाल के उस इलाके में जहां ये पीड़ित जो निराश्रित महिलाएं जो बची थी, जिनके परिवारों में उनके पति या पिता या भाई मारे गए थे और अब वो अकेली निराश्रित बची थी, उन लोगों को बसाने के लिए लगभग 2001 कमरे के घर बनाए गए थे उसी यूनियन कार्बाइड के आसपास। और उसके बाहर एक साइन बोर्ड 25 साल बाद तक हमने देखा, विधवा कॉलोनी। दुनिया के किसी देश में, किसी देश के किसी प्रदेश में, किसी प्रदेश के किसी शहर में विधवाओं के नाम की कोई अलग कॉलोनी है, ये केवल धरती पर भोपाल नाम के शहर में ही था संभव। और हमारा पूरा सिस्टम, ये भोपाल शहर बड़ी बड़ी महिलाओं के नाम से जुड़ा हुआ है। तो हम किस समाज के लोग हैं, हम किस समाज के लोग हैं? इसमें तो कोई बड़ी कारीगरी नहीं थी कि किसी का ध्यान नहीं गया कि ये विधवा कॉलोनी क्यों टांग रखा है, कोई किसी अच्छी कोई अच्छा नाम दे दो भाई, कोई अच्छा संवेदनशील नाम दे दो, कोई कवित्री का नाम दे दो, कोई हमारी महान नायिकाएं हुई हैं, कमलापत का ये शहर है जिनके नाम से ये रेलवे स्टेशन अभी अभी हुआ है, उनका नाम दे दो, उनकी स्मृति में वो कॉलोनी बना दो। विधवाओं की कॉलोनी है ये, ऐसा दामन में दाग की तरह वो साइन बोर्ड भोपाल की छाती पर 25 साल टंगा रहा। फिर किसी ने उनका ध्यान शासन का दिलाया और वो हटा और उसका कुछ नाम परिवर्तन हुआ उसका। तो इससे पता ये चलता है कि हम किस तरह के सोए हुए समाज में हम रहते हैं।